यस, क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। आपको होमवर्क दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए दिया जाएगा, आपको ये पूरा करना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अब एक दो दिन के बाद आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी मिलने वाले हैं, कैसा क्या स्कूल में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, होमवर्क करना है और आगे की तैयारी करना है। इसलिए जो छात्र क्लास 12 से साइंस में है वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक या दो दिन के बाद आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी कॉपी बना लीजिए, टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाइए, सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सेकेंड यूनिट करेंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। विद्युत धारा को पढ़ने के लिए मैं एक चालक लेता हूँ और चालक का एक भाग अगर एनलार्ज कर दूँ या बड़ा कर दूँ तो ये सिलेंड्रिकल या बेलनाकार आकार का होता है। इसमें मैं सोर्स सेल या बैटरी लगा देता हूँ, ये लगा दिया, ये प्लस ये माइनस, करंट आई यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो करंट हम यहाँ पर फ्लो होना बता देते। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है, हम ये मान लेते हैं कि धारा प्लस से माइनस की साइड फ्लो हो रही है, ठीक। तो हम यहाँ पर धारा को डिफाइन करते हैं, धारा को अगर अपन डिफाइन करें तो प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेशों की संख्या, विद्युत धारा आई कहलाती है, ठीक। तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की संख्या को मैं धारा बोलता हूं, धारा बराबर आई इक्वल टू क्यू अपॉन पी के इक्वल हो जाता है। क्यू का यूनिट क्या हो जाता है? कूलाम। समय का यूनिट क्या हो जाता है? सेकेंड। तो 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, 1 एम्पियर, यानी धारा की यूनिट क्या हो जाती है? एम्पियर के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो हम धारा की इकाई को एम्पियर कहते हैं, ठीक। तो धारा जो मेरे पास है, धारा I इक्वल टू क्यू अपॉन पी, इसका यूनिट क्या आ जाता है? एम्पियर हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये टोटल धारा है, करंट है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंस्टेंटेनियस या इसको मैं बोल देता हूँ तात्क्षणिक धारा, इसको मैं इस फॉर्म में शो करता हूं, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये मेरे पास तात्क्षणिक धारा हो जाती है। धारा ध्यान रखिएगा, धारा अदिश राशि है, ठीक है। तो धारा को मैं क्या लेके चलता हूँ, एक अदिश राशि मानकर चलता हूँ। तो धारा मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? अदिश राशि होती है। अब धारा को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, ठीक। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की संख्या धारा कहलाती है, लेकिन हम अब धारा को कुछ नए टर्म में डिफाइन करते हैं जिसको हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, ये हिंदी में कहलाता है अनुगमन वेग। इसके टर्म में मैं धारा को डिफाइन करना शुरू करता हूं। अब देखिए अगर मैं धारा को इसके टर्म में डिफाइन करूं तो मैं क्या करता हूं, एक चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेके चलता हूं, ये ले लिया मैंने, ठीक। इसमें सेल या बैटरी को यहां पर अप्लाई कर दिया, ये कर दिया, प्लस माइनस करंट आई यहां पर फ्लो होने लगता है, ठीक। करंट आई है ना यहां से होता जा रहा है, विद्युत क्षेत्र इधर पर है और इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, जैसे ही मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र या पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई करता हूं तो यहां पर सॉलिड रहता है चालक, यानी सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस चालक होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के धन आवेश के साइड आते हैं, तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस जमा हो जाते हैं, ये पॉजिटिव आयंस हो गए, ठीक, ये पॉजिटिव आयंस हो गए, 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 ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आता है तो बार बार ये पॉजिटिव आयन से टकराता है और टकराते टकराते अपना एक निश्चित औसत वेग से धन आवेश की ओर शिफ्ट होने लगता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, अनुगमन वेग बोल देते हैं। तो मैं यहां पर इसको ऐसा डिफाइन करता हूं, जब चालक के सिरे पर विद्युत विभव लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो चालक के अंदर, चालक के अंदर तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन धनात्मक धनात्मक आयन से टकराते हुए एक औसत वेग से, औसत वेग से धन सिरे की ओर गति करता है, यह औसत वेग अनुगमन वेग वीडी कहलाता है। तो चालक के सिरों पर जैसे ही हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहां से पॉजिटिव से टकराए, फिर पॉजिटिव से, तो इनका वेग बार बार बदलता रहता है और ये टकराते हुए आगे जो बढ़ते हैं तो वो निश्चित वेग जिसको हम औसत ले चुके हैं, ये क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ध्यान रखिए, यही जब चलने में रुकावट डालता है तो प्रतिरोध या
रेजिस्टेंस कहलाने लगता है। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाने लगता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन जब चलते हुए आ रहा है बार बार उधर टकराता है, तो टकराने में एक टाइम भी लगता है, समय लगता है। इस समय को मैं यहां पर क्या बोल देता हूँ, शांति काल बोल देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो दो लगातार टक्करों के बीच का लगा हुआ समय हमारे पास क्या कहलाता है, शांति काल या रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। इसको मैं बोल देता हूँ रिलैक्सेशन टाइम, ये शांति काल, इसको मैं टाउ से शो करता हूं। ठीक, तो जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो दो टक्करों में लगा समय हम कभी क्या कर लेते हैं, ये औसत भी ले लेते हैं। शांति काल टाउ कहलाता है। तो देखिए क्या हो रहा हमारे पास, ये मैंने एक चालक लिया था, चालक को हमने एक एनलार्ज करके दिखाया, यहां पर मैंने प्लस माइनस लगाया। ठीक, और जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन इन धन आवेशों से टकराता है तो दो टक्करों के मध्य लगा हुआ समय शांति काल कहलाता है, और इनका हम औसत ले लेते हैं तो औसत शांति काल टाउ कहलाता है। ये हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। देखिए मैं यहां पर जो भी मैंने कराया हुआ है, तो देखिए मैं यहां पर करता हूं विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, ये एग्जामिनेशन के पर्पस से भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये संबंध है हमारे पास I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक चालक ले लिया और चालक का एक बड़ा भला पार्ट मैंने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करी, इसको हमने समझ लो माइक्रोस्कोप से बड़ा कर दिया। यहां पर मैंने सेल या बैटरी लगा दी, ये की हो गई आपके पास, यहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, करंट आई यहां से यहां तक फ्लो होगा। इस चालक की लंबाई मैंने एल के इक्वल ले ली। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर पर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहां पर है, ये इसका ए है, ए क्या हो गया इसका क्षेत्रफल, ये हमने विद्युत क्षेत्र यहां पर अप्लाई किया इस डायरेक्शन। ठीक, तो मैं यहां पर ले लेता हूं चालक का क्षेत्रफल, मैंने यहां पर क्या ले लिया, ए के इक्वल ले लिया, चालक की लंबाई
ये मैंने स्मॉल एल ले ली, ठीक, एल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल इंटू एल, और ये हो गया एल। तो मेरी यहां पर क्या कर लेता हूं, चालक का आयतन मैंने इसको वी के बराबर मान लिया, ठीक, बड़ा सिंपल है। मैं यहां पर क्या करता हूं, ये मान लेता हूं कि माना, क्या कर दे रहा हूं, माना प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों या आवेशों की संख्या बराबर एन है, ठीक, मैंने मान लिया प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने कितनी मान ली है, एन के इक्वल मान ली है, इसलिए वी बराबर ए इंटू एल आयतन में आवेशों की संख्या, अगर मैं इसको लेके चलूं तो ये कितना आ जाएगा, एन इंटू ए इंटू एल, ठीक। देखिए चालक का आयतन कितना हो गया, वी, वी बराबर आप इसको यहां पर लिख सकते हैं ए इंटू एल, ठीक है, ये आयतन हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आ गया। प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने एन मान ली, तो इस आयतन ए इंटू एल में इलेक्ट्रॉनों की आवेशों की संख्या यहां पर कितना आ गया, एन के इक्वल, इसलिए कुल आवेश, कुल आवेश, अगर मैं कुल आवेश निकालूं तो ये हो जाएगा क्यू, क्यू इक्वल टू एन ए एल, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने के इक्वल होता है, ई के इक्वल, इसलिए ये कितना आ जाएगा, एन ई ए एल, ये हो गया क्यू, समीकरण नंबर एक कर दीजिए, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन यहां से होता चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, तो इनका वेग होगा, वेग बराबर क्या होता, दूरी बटे समय। तो यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग वीडी है, तो वीडी बराबर दूरी, इलेक्ट्रॉन मान लिए यहां से यहां तक चल रहे हैं, तो ये एल हो गया, ठीक। तो ये बराबर दूरी बटे समय, वीडी दूरी कितने के बराबर हो गई, एल, समय टी, इसलिए टी बराबर एल अपॉन वी डी के इक्वल, समीकरण नंबर दो, ठीक है। ये आपके पास समय और आवेश क्यों निकल गया, तो देखिए आई इक्वल टू कितना आता है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आप देखिए आई इक्वल टू क्यू अपॉन पी, क्यू इक्वल टू, क्यू इक्वल टू कितनी है, एन ई ए एल, टी कितना हो गया, एल अपॉन वी डी, ये आ गया, ये एल एल कैंसिल, इसलिए आई इक्वल टू एन ई ए, ये ऊपर चला जाएगा वी डी। तो अब धारा आई का एक सूत्र ये निकल आता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, यहां पर ये जो वी डी है यह अनुगमन वेग कहलाता है। तो नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन
करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और अनुगमन वेग के बीच में संबंध है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली आता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से होता करके रखिएगा। 12th क्लास के हो तो लड़के जितने भी हैं फिजिक्स वाले, ध्यान रखिए आपको अपनी कॉपी बनाना है, और कॉपी में मैं चेक करूँगा जब भी मैं मंगाऊँगा। अभी ऑनलाइन किसी भी बच्चे से कुछ भी मैं चेक करने के लिए बोल सकता हूँ, ठीक है।